हेलो गाइस, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं रेड लाइन नंबर्स यूट्यूब चैनल। तो गाइस, मैं पहले ही एक बात क्लियर कर देना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। लाइक इसलिए क्योंकि ये सारी मूवीज जो मैं बताने वाला हूँ वो सब आपको रुला देगी, और शेयर इसलिए क्योंकि जो भी एनिमे को पसंद नहीं करता उनके साथ शेयर कीजिए एंड ये मूवीज इन्हें ज़रूर बदल देगी। तो गाइस, बेसिकली मैंने वो चीज़ें बता दी एंड ये मूवीज़ में से एक मूवी हिंदी डब हो चुकी है एंड बाकी सब इंग्लिश में है एंड इनके ट्रेलर्स एंड हिंदी ट्रेलर्स एंड डाउनलोड लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, फर्स्ट मूवी से शुरू करते हैं। तो गाइस, हमारी फर्स्ट मूवी है वॉइस ऑफ अ डिस्टेंट स्टार। इसका ही जापानीज नेम होता है होशी नो कोई। ये मूवी आप लोगों में से आधे से लोगों ने देखी होगी बट आधे से ज़्यादा ऑडियंस ने इस मूवी को नहीं देखा। ये मूवी मोकोटो शिंकाई की बनाई हुई मूवीज़ में से बेस्ट मूवीज़ में से एक है। मोकोटो शिंकाई ने इसको डायरेक्ट किया है, प्रोड्यूस किया है और तौर बतौर राइटर इन्होंने लिखा भी है स्टोरी को। तो वॉइस ऑफ डिस्टेंस स्टार ये 22 को रिलीज हुई थी 2002 को एंड इसका कॉमिक वेब फिल्म्स ने इसे बनाया था। ये बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है गाइस, मतलब एक तरह की से मतलब इसमें साइंस फिक्शन और ह्यूमैनिटी की कितनी एक साथ जुड़ा हुआ है ये देखने में आपको बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि एक गर्ल होती है इसमें, दो मेन कैरेक्टर्स है जो मतलब एक गर्ल है एंड एक बॉय है, ये तो बेसिकली सब मूवीज़ में होता ही है बट इस मूवी में इस कैरेक्टर्स को, इन दो कैरेक्टर्स को बहुत ही अच्छी तरह से बनाया गया है एंड ये एक ईमेल के ज़रिए एक दूसरे से बात करते हैं वो भी लाखों किलोमीटर दूर से। मैं ज़्यादा स्पॉइल नहीं करना चाहूँगा पर जाकर देखिए इस मूवी को, ये हिंदी डब हो चुका है। नीचे डाउनलोड लिंक है, डाउनलोड लिंक चाहिए क्लिक कीजिए और कूल एनिमे डबर्स की डब देखिए। चलिए गाइस, नेक्स्ट मूवी की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइज, नेक्स्ट मूवी है उल्फ चिल्ड्रन। उल्फ चिल्ड्रन एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग मूवी है, आपको देखनी ही चाहिए ये मूवी। कहूँ तो स्टोरी के मामले में सबसे ज़्यादा रुला देने वाली है एंड एक माँ की कीमत पता चलती है उल्फ ऑफ चिल्ड्रन में। और तो और आपको पहले ही बता दूँ, ये एक बेस्ट डायरेक्टर ने डायरेक्ट की है, मोमोरू होसोदा ने। मोमोरू होसोदा ने बहुत सारी स्टोरीज लिखी है गाइस एंड इनकी मूवीज़ अमेजिंग होती है क्योंकि मोकोटो शिंकाई से भी बड़े डायरेक्टर है मेरे हिसाब से, क्योंकि मोकोटो शिंकाई एनिमेशन में बेस्ट है, उनके एनिमेशन को कोई टक्कर नहीं दे सकता बट मोमोरू होसोदा के डायरेक्शन को कोई टक्कर नहीं दे सकता क्योंकि डायरेक्शन के मामले में बहुत अच्छी स्टोरीज लिखते हैं। जैसे कि द गर्ल हु लेफ्ट टू गेट टाइम, ये मूवी आपको देखनी चाहिए। समर वॉर, ओल्ड चिल्ड्रन, द बॉय इन द बीस्ट, बॉय द बीस्ट एंड और तो और मिराई। मिराई के लिए बेस्ट एकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है गाइज, आप देख सकते हैं। एंड मैं पहले बात करना चाहूँगा उल्फ ऑफ चिल्ड्रन की। उल्फ ऑफ चिल्ड्रन एक अमेजिंग मूवी डायरेक्ट की है मोमोरू होसोदा ने। इसका मेन कैरेक्टर है हिना। हिना एक मॉम का रोल कर रही है, मतलब एक बेस्ट कैरेक्टर कहूँगा मॉम में, वर्ल्ड बेस्ट कैरेक्टर मॉम का। एंड इन्होंने बहुत ही अच्छी रुला देने की मूवी बनाई है गाइज, आप जाकर देखिए। इसके टाइटल में ही आपको इसकी स्टोरी पता चलती है, उल्फ चिल्ड्रंस मतलब उल्फ के चिल्ड्रंस। एंड आपको ये बहुत ही अमेजिंग लगेगा, आधे से ज़्यादा ने तो इसके ट्रेलर्स देखे होंगे। तो डिस्क्रिप्शन में हिंदी ट्रेलर की लिंक है बट इंग्लिश में जाकर देखिए प्लीज़ गाइज, इसे ज़रूर देखिएगा। चलिए गाइज, अगली मूवी की तरफ बढ़ते हैं। और गाइज, हमारी नेक्स्ट मूवी है फायरवर्क। फायरवर्क एक अमेजिंग मूवी है और मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि ये हिंदी डब जल्दी ही आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इसका एडिटर मैं ही हूँ तो मतलब ये जल्दी ही आपको हिंदी में देखने को मिलेगी। और तो और इसके पहले ही बात कर दूँ, इसका बंगला ओरिजिन अभी भी अवेलेबल है, मतलब जो भी बंगाल में इसे देखना चाहते हैं तो बंगाल की लैंग्वेज में आपको अवेलेबल मिल जाएगा। और तो और अभी हिंदी डब हो रहा है। तो गाइज, ये मूवी अमेजिंग है और आपको ये इंग्लिश में देखनी चाहिए, क्या ज़बरदस्त मूवी है। मतलब मैं इसकी एंडिंग में थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे आप, क्योंकि मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया था। एंड पहले इसकी मूवी के बेसिकली बात करूँ तो ये मूवी अमेजिंग मूवी है। और पहले ही एक बात कहना चाहूँगा, इसको टोहो एनिमेशन ने बनाया। टोहो एनिमेशन को तो आप जानते ही है, टोहो एनिमेशन इज द बेस्ट एनिमेशन प्रोडक्शन हाउस या डिस्ट्रीब्यूटर, जो भी कहना चाहूँ वो कह सकते हैं। बट इसकी स्टोरी कहूँ तो ज़्यादा मैं स्पॉइल ना करते हुए कहना चाहूँगा कि इसकी स्टोरी थोड़ी योर नेम जैसी है, कुछ टाइम से जुड़ी और कुछ टाइम मतलब यहाँ लोचा आपको देखने को मिलेगा। तो गाइज, इसे 2017 में रिलीज़ किया गया था, ये नई ही मूवी है, न्यू मूवी है, ब्रांड न्यू मूवी। तो जाकर देखिए इसे इंग्लिश में, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है और हिंदी डब की लिंक नीचे ही है, तो जाकर देखिए। एंड चलिए अगली मूवी की तरफ बढ़ते हैं।
एंथम ऑफ द हार्ट। गाइस ये मूवी तो देखनी चाहिए, आपने बाकी मूवीज ना देखी हो तो भी चलेगा, बट ये मूवी देखनी चाहिए, क्योंकि आपने ज्यादा से ज्यादा कह रहे होंगे यार ये हर बार हर मूवी को बेस्ट कह रहा है, क्योंकि यार मैं खुद कंफ्यूज हूँ इनमें कि यार बेस्ट मूवी कौन सी है, क्योंकि हर एक बेस्ट है, बट एंथम ऑफ द हार्ट मोस्टली मेरे दिल के करीब है, क्योंकि यार ये मूवी अमेजिंग है। एक लड़की के बारे में जो जिसकी लाइफ में बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, एंड और तो और मतलब क्या कहूँ इसके बारे में, मतलब एक लड़की मतलब इसकी मॉम डैड की झगड़े इसकी वजह से होते हैं ये, मतलब बहुत मैं स्पॉइल नहीं करना चाहूँगा, इसे जाकर देखिए, ये बहुत ही अमेजिंग मूवी है एंड ये जाकर आपको देखनी चाहिए। इसके बारे में मैं नेवर वर्ड मतलब मैं इसकी स्टोरी भी स्पॉइल नहीं करना चाहूँगा, तो जाकर देखिए जल्दी से, नीचे डाउनलोड लिंक है हिंदी डब इंग्लिश डब में, एंड आपको ये हिंदी ट्रेलर देखने को चाहिए हो तो नीचे ही है। तो चलिए गाइस लास्ट मूवी की तरफ बढ़ते हैं, Ride Your Wave, ये बहुत अच्छी अमेजिंग लव स्टोरी मूवी है गाइज, इसकी ट्रेलर देखिए, ये थोड़ी फैंटास्टिक मूवी है, लाइक योर नेम की तरह आत्मा बदलती है, बट ये थोड़ी स्टोरी थोड़ी अजीब लगेगी आपको कि ये पानी में देख सकता है इसको, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है, बट मैंने इसे देखा एंड मैं इसे बेस्ट 10 पॉइंट्स देना चाहूँगा। इसे 2019 में रिलीज़ किया गया था एंड टोहो एनिमेशन इसका डिस्ट्रीब्यूशन हाउस है, तो गाइज जाकर देखिए इस स्टोरी को जल्दी से जल्दी, एंड